हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज ट्री 64। और आपको याद होगा मेरी जो इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी वो थी सॉल्विंग क्यूब टेलर सॉल्व विद इन 40 सेकेंड्स। तो मैं उसका ही एक तरह से पार्ट टू लाया हूँ, सॉल्विंग क्यूब टेलर सॉल्व विद इन 37 सेकेंड्स। और पिछली बार मैंने थर्ड सॉल्व में 40 सेकेंड्स से कम में कर दिया था, 38 सेकेंड्स में। तो इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अब मैं 37 सेकेंड्स से कम में ट्राई करूँ। अब मैं क्यूब को पीछे रख के अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं एक टाइमर भी लगाता हूँ। सो ये हो गया क्यूब स्क्रैम्बल, ये रही स्टॉपवॉच। अब मैं 3 पे स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3। ये लग रहा है पहली सॉल्व तो टाइम में होगी क्योंकि मेरे को पहले ही प्रेशर लग रहा है और ऐसे तो क्रॉस बनाने में बहुत टाइम लग गया। ट्वेंटी 3 सेकेंड्स हो चुके हैं और मेरा F12 पूरी हो चुकी है, OLL पूरी हो गई। और ये आ गया है मुश्किल वाला केस जिसकी उम्मीद नहीं थी। 35 सेकेंड्स हो चुके हैं और हो गया सॉल्व। ओ फर्स्ट ट्राई में हो गया, लेकिन एक दिक्कत हो चुकी है। मेरा चैलेंज था कि 37 सेकेंड से कम में करना है, कोई उल्टा दिख रहा होगा, और ये 37 सेकेंड्स में हुआ है। मुझे इसको स्टॉप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और क्यूब पहले ही बार मैंने एल्गोरिथम लगाई, उसके बाद एडवांस PLL की एल्गोरिथम लगानी होती है। पहली एल्गोरिथम में ही अपने आप ही सॉल्व हो गया, लेकिन 0.30 मिली सेकेंड में एक्सटेंड कर गया, वरना मेरा चैलेंज पहले ही सॉल्व में पूरा हो जाता। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया है, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने एडवांस PLL के मैंने आपको उस वीडियो में भी बताए थे जो मेरी 3x3 क्यूब सॉल्व सिखाने वाली वीडियो थी, बेसिक एडवांस वाली। एडवांस PLL के 4 केसेस सीखे हैं जिसमें आमने सामने और यहाँ से यहाँ लगने वाले एजेस होते हैं, आमने सामने के और यहाँ से यहाँ लगने के एजेस, यहाँ से एजेस यहाँ लगता है, जिससे मेरे को बस एक एल्गोरिथम लगानी होती है। हेडलाइट आ जाती है, हेडलाइट पे एल्गोरिथम लगाओ और एक एल्गोरिथम में फिर 2 एल्गोरिथम में सॉल्व हो जाता है। अगर हेडलाइट नहीं आती तो 3 में। उससे मेरे को फ़ायदा इस सॉल्व में नहीं हुआ क्योंकि मेरी पहली में ही हो गई बस। चलो अब मैं अपनी सेकेंड सॉल्व में ट्राई करता हूँ। ये कर लिया मैंने क्यूब स्क्रैम्बल, अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। इस पर क्रॉस बन गया है जल्दी। मैं F12 पे मेन ध्यान रखूँगा, F12 जल्दी हो जाएगा तो मेरा क्यूब भी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। केसेस तो आसान है इस पर। ओ कर दी मैंने गड़बड़, एक मुश्किल वाला केस आ गया। ओके एक मुझे बना हुआ मिल गया। लेंदी वाला केस आ गया, शिट। ठीक है हेडलाइट आ गई, एक एल्गोरिथम लगानी है मुझे और ये हो गया। इस बार मेरा एग्जैक्ट 40 सेकेंड्स में सॉल्व हुआ है, 40.05 सेकेंड्स में। दो सॉल्व में तो नहीं हुआ, अगर ये मेरा 5 सॉल्व में नहीं होता है तो फिर मैं इसका Part 2 भी डालूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। ये कर लिया मैंने स्क्रैम्बल, अब करते हैं 3 पे स्टार्ट। 1 2 3। इस पर मुझे ज़्यादातर तो बना हुआ दिख रहा है। ओए है कांगेज,
मैंने नोटिस ही नहीं किया एज उधर है, मैंने गलत लगा दिया। ओके F12 हो गई है, OLL का आसान सा केस। ये आ गई PLL की, मेरी हेडलाइट नहीं है। 3 एल्गोरिथम लगेंगी, लगा दी मैंने दूसरी एल्गोरिथम। और ये हो जा हो जा हो जा हो जा, ओह फ्रेंड्स ये एडवांस PLL और OLL सीखने का मुझे फ़ायदा हो गया। PLL में तो मेरी मैक्सिमम 3 एल्गोरिथम लगी, लेकिन CFOP का बढ़िया सा केस आ गया था, मेरा F12 बहुत बढ़िया गया है। OLL का डायरेक्ट जो बिगनर वाला केस होता है और टू लुक वाला वो आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल नॉलेज 364। और अगर आप ऐसी और चैलेंजेस देखना चाहते हैं, अगर मैंने एडवांस PLL पूरी सीख ली, 21 एल्गोरिथम होती है, तो मैं सॉल्विंग क्यूब टिल आई सॉल्व इट इन 33 या 34 सेकंड्स का भी चैलेंज करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना अपना एवरेज टाइम कम कर सकूँ उतना करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।